मैं हूं प्रभजोत कौर और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। बिग बॉस के घर में जो ना हो वो कम है। इन दिनों अर्शी खान और हीना खान के बीच जबरदस्त जंग जारी है। हाल ही के एपिसोड में अर्शी खान को कालकोठरी में डाल दिया गया था, जिस पर अर्शी खान बेकाबू हो गई। हीना खान ने कहा कि अर्शी ने उन्हें माँ की गाली दी है, इसीलिए वो कालकोठरी में है। हीना खान ने अर्शी को घटिया औरत भी कहा। अर्शी जेल के अंदर थी और हीना खान बाहर। दोनों में गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई। अर्शी खान ने हीना के गुस्सैल तेवर देखकर अपनी चप्पल भी उठा ली, लेकिन मारा नहीं। हीना ने कहा कि अर्शी ने उन्हें माँ की गाली दी है, लेकिन अर्शी इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि हीना खान और अर्शी खान के बीच एक सुल्तानी अखाड़ा टास्क भी इंट्रोड्यूस किया गया, जो सलमान खान ने इंट्रोड्यूस किया। ये जो टास्क है ना, ये एक दोनों का एक तरीके से रिवेंज लेने वाला टास्क था। यहाँ पे राउंड शुरू होता है। मैं आपको बता दूं कि इसमें करना क्या था। हीना खान की तरफ अर्शी खान के फ्लैग्स है, जो अर्शी खान किसी तरह जाकर पिक करेंगी। वहीं ऐसा ही सेम हाल अर्शी खान की तरफ है, यानी कि अर्शी खान की साइड हीना खान के फ्लैग्स हैं और हीना खान किसी तरह अर्शी खान की तरफ जा अपने फ्लैग्स कलेक्ट करेगी। जो सबसे पहले फ्लैग्स कलेक्ट कर लेगा वो ये टास्क जीत जाएगा। अब ये टास्क शुरू होता है। अर्शी कोई कसर नहीं छोड़ती है हीना को छोड़ने की, यहाँ तक कि अर्शी और हीना खान में फिजिकल फाइट तक हो जाती है। जी हाँ, अर्शी और हीना खान में हाथापाई तक हो जाती है। जब बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती है तो सलमान खान को ये टास्क मजबूरन बंद कराना पड़ता है और इस टास्क में कोई भी विनर डिक्लेयर नहीं किया जाता। वैसे ये एक तरीका था एक दूसरे का बदला लेने का, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा खराब टास्क हो गया है। मैं आपको बता दूं कि हीना खान घर की नई कप्तान भी चुनी गई हैं। अब देखना होगा कि हीना खान की कप्तानी में घर में क्या क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।